A protest in China against a country's strict COVID policy showing no sign of stopping. They enter a third day as a rally took place early this morning in Beijing. Protests against Beijing's strict COVID control measures spread to Shanghai and Beijing on Sunday as demonstrators gathered for a candlelight vigil for victims allegedly killed in a fire due to lockdowns in Xinjiang. Rare public protests continue in China over new lockdown restrictions amid another surge of COVID. Hundreds of people taking to the streets of Beijing and Shanghai in a rare outpouring of public anger against the state. बड़ी खबर चीन से, जहां जिनपिंग के खिलाफ जन विद्रोह हो गया है. चीन के कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं. कोरोना के खिलाफ चीन की जीरो टॉलरेंस नीति के खिलाफ लोग कर रहे हैं प्रदर्शन. चीन से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोविड की पाबंदियों के खिलाफ चीन में भारी गुस्सा है. शहर शहर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, बैनर पोस्टर के साथ सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं. तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने जिनपिंग के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है. चीन की लगभग 20% इकोनॉमी और पॉपुलेशन इस समय स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की सामना कर रही है. उसके बावजूद प्रतिदिन 40,000 के आसपास नए पेशेंट्स आ रहे हैं. 30,000 से 40,000 नए पेशेंट्स की संख्या निकलती आ रही है, जिसके चलते चीनी सरकार के द्वारा लगातार ये जो प्रक्रिया है टेस्ट ट्रेस आइसोलेट एंड सपोर्ट की, ये अपनाई जा रही है और इसके चलते यहाँ पर इतनी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं. चीन के प्रमुख शहर शंघाई के अंदर प्रदर्शनकारियों ने पूरे चीन में लगे लॉकडाउन को खत्म करने की मांग की है. आप विचार कर सकते हैं, जिस लॉकडाउन को हमने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया है, चीन अभी भी उस लॉकडाउन का सामना कर रहा है. लगभग 20% चीन में अभी भी लॉकडाउन स्ट्रिक्ट रूप से लग रहा है. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शिनजियांग के अपार्टमेंट में हाल ही के अंदर लगी एक आग में जहां 10 लोगों की जान चली गई, क्योंकि लॉकडाउन के चलते वहां पर दमकल नहीं पहुंच पाई और उस आइसोलेटेड बिल्डिंग के अंदर आग लगने से 10 लोगों की जान चली गई. उसके विरोध में बड़ी मात्रा के अंदर यह प्रोटेस्ट एक बार के अंदर बाहर निकल आया. यानी असल में इस घटना में जो चिंगारी का काम किया है, जिसके चलते राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इस्तीफा मांग रही है जनता, वो इसलिए है कि जीरो कोविड पॉलिसी के चलते जिस अपार्टमेंट में कोविड पेशेंट्स को रखा गया था, वहां आग लगने से मतलब एक बार के अंदर ही 10 लोगों की मौत हो गई थी. तो लॉकडाउन के चलते चूंकि दमकल कर्मी वहां पर सही समय पर नहीं पहुंच पाए, इस कारण से यहां पर बड़ी मात्रा के अंदर यह घटना हुई है. परिणाम स्वरूप जो फॉक्सकैन का जो प्रोटेस्ट हुआ, इसकी वजह से चाइना के अंदर से आईफोन बन के आने वाली जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी घट गई हैं. यहाँ पर एप्पल के मार्केट शेयर के ऊपर भी इसका नुकसान पड़ सकता है. यही कारण है कि तमिलनाडु प्लांट के अंदर, फॉक्सकॉन प्लांट के अंदर जो दिक्कत हो रही है, उसके चलते तमिलनाडु प्लांट में जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या 4 गुना तक बढ़ाए जाने की बात की जा रही है. चाइना के फॉक्सकॉन में जहां 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं प्लांट के अंदर, वहीं तमिलनाडु में 70,000 कर्मचारी काम करने की क्षमता विकसित की जा रही है. शी जिनपिंग का जो विरोध है चाइना के अंदर, वो उन्हें एज ए डिक्टेटर और ट्रेटर के रूप में दर्शा रहा है, जो कि जीरो कोविड पॉलिसी के अंदर दर्शाई दे रहा है. यानी कि यूं समझिए कि चीन में भी महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन लोग बाहर प्रदर्शन करने ना आ पाए, इस कारण से वहां जीरो कोविड पॉलिसी का फायदा उठाकर लोगों को सड़कों पर आने से रोका जा रहा है, लोगों का ये मानना है.